हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट, या इसी का एक और दूसरा क्वेश्चन होता है राइट द फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स की जो पार्लियामेंट का जो चेयरमैन होता है उसी को लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। आपने कई बार टीवी में देखी होगी लोकसभा चल रही है, संसद चल रही है, तो वहां पे एक इंसान के पास जो थोड़ा सा हाइट पे बैठा होता है, माइक लगा होता है, ओके, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इंसान को ही हम बोलते हैं लोकसभा स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमको चार वो काम बताने हैं पार्लियामेंट के चेयरमैन के, कि उसके काम क्या होते हैं, वो क्यों मतलब सिलेक्ट किया जाता है, उसका काम क्या है भाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड करने का मतलब क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है उस मीटिंग का जो कि हाउस ऑफ पीपल में हो रही है। यानी कि लोकसभा में जब वो मीटिंग चलती है तो उसमें जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, जो हेड होता है, वो स्पीकर होता है। एंड बींग द चेयरमैन, और चेयरमैन होने के नाते वो इंश्योर करता है, ये ध्यान रखता है कि वहां पे शांति और व्यवस्था, पीस यानी शांति, ऑर्डर यानी व्यवस्था जो है उस लोकसभा में बनी रहे। ओके, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम है जो चेयरमैन है वो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम होने हैं, वो सारे प्रोग्राम, और प्रोसीडिंग्स यानी कि सारी कार्यवाही जो भी काम करना है। ओके, तो सारे काम, सारे प्रोग्राम, सारी कार्यवाही जो है उस हाउस में जो भी होगा वो चेयरमैन ही डिसाइड करता है। इसके अलावा जो उस हाउस का लीडर है यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, तो बेसिकली लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, ओके, ये आपको पता होगा। तो लोकसभा का जो भी हेड है उसे कंसल्ट करता है, उसे सलाह विचार विमर्श करता है। तो विचार विमर्श करने के बाद में ही जो चेयरमैन है वो अलोकेट करता है टाइम, यानी कि टाइम देता है सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि कब किस सब्जेक्ट पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे कब कब डिस्कशन होना है। तो वो टाइम डिसाइड कौन करता है, चेयरमैन। बट चेयरमैन वो टाइम डिसाइड कब करता है, उस हाउस के लीडर से डिस्कस करने के बाद। ओके, थर्ड काम है जो चेयरमैन है वो ये डिसाइड करता है कि जो भी बिल पास किया जा रहा है वो बिल मनी बिल है या नहीं है। ओके, अब ये बात आई कि मनी बिल क्या होता है तो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, दो बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करता है, चेयरमैन डिसाइड करता है। एंड जो चौथा काम है वो ये है कि वो करेस्पॉन्डेंस का काम करता है, किस किसके बीच में, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में। यानी अगर कोई काम पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ चीज या मैसेज देना हो प्रेसिडेंट को, तो वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो पहले चेयरमैन को देगा लिख करके लेटर में। ओके, तो जो करेस्पॉन्डेंस है उसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार मतलब लेटर में लिख करके इधर उधर करवाना। ओके, तो प्रेसिडेंट को अगर कुछ ऑर्डर देना होगा तो वो पहले चेयरमैन को देगा और फिर चेयरमैन पार्लियामेंट में उस चीज को पढ़ के और बोलता है। ओके, तो यानी कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में करेस्पॉन्डेंस का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको पार्लियामेंट के चेयरमैन यानी कि लोकसभा स्पीकर के काम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।